ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात स्वच्छता की। 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में सामाजिक संस्था सुलभ इंटरनेशनल ने स्कूली बच्चों की एक कार्यशाला आयोजित कर बच्चों को स्वस्थ रहने और हाथ धोकर ही भोजन करने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस का आयोजन दुनिया में पहली बार 5 महाद्वीपों के 55 देशों में एक साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मशहूर फिल्म अभिनेत्री रहिमा सेन ने कहा कि बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है तो उन्हें इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। Washing our hands every year after dedication. And I think there is a famous saying which all of us know, which is cleanliness is godliness. कार्यशाला में बच्चों को अपने शरीर की देखभाल और सफाई से संबंधित विभिन्न सामग्रियों को भी वितरित किया गया। सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वर पाठक का मानना था कि दुनिया में होने वाले शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण दूषित पानी का सेवन और गंदगी है। हम लोग कहने आ रहे हैं कि साबुन से हाथ धोइए लेकिन शुद्ध पानी भी पीजिए, और जो नख है वो नख को भी काटिए, क्योंकि नख की बीमारी जाती है, गंदा मल जाता है, उसमें ही बैक्टीरिया जाता है और बीमारी उससे भी होती है। विश्व में प्रत्येक साल लाखों बच्चे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। अगर हमें वैश्विक स्तर पर अपने मुल्क को आगे ले जाना है तो स्वच्छता और शुद्ध जल की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण ये है कि हम जब वॉश कैंपेन की बात करते हैं तो सिर्फ हम हाथ धोने की बात न करें, हम शुद्ध जल की बात करें और नख काटने की बात करें और शरीर को पूर्ण रूप से साफ रखने की बात करें, तभी जाकर के ये स्लो वॉश कैंपेन और जो वॉश कैंपेन चल रहा है दुनिया में वो सार्थक हो सकता है। हाथ धोकर भोजन करना और अपने को स्वच्छ रखना, इसके लिए सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाइए और अपने साफ हाथों का जादू दिखाइए। याद रहे ये सब कॉजेस के लिए, आई थिंक ये अच्छा कॉज है, तो इस ये सब कॉजेस के लिए मैं हमेशा आना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग आने से और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ जाते हैं। आई मीन दे डू देयर बेस्ट, बट आई नो इट इज कॉल्ड अ सेलिब्रिटी, देन यू नो देयर इज मोर अवेयरनेस। इस कार्यशाला में बच्चों और उनके पालकों को ये सलाह दी गई कि खुले में मल का त्याग न करें एवं मल त्याग करने के बाद खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर साफ करें। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।